दोस्तों, अगर आप भी कंपनी की प्रमोशनल कॉल्स से परेशान हैं, आपके पास जिस कंपनी की भी सिम है उस कंपनी की सारा दिन आपके पास प्रमोशनल कॉल्स आती हैं, अनवांटेड कॉल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं जो आपको सारा दिन परेशान करते हैं, तो दोस्तों आप इस एक छोटे से टिप्स से उन अनवांटेड कॉल्स को बंद कर सकते हो, उन मैसेजेस को बंद कर सकते हो। और दोस्तों, इसको सबके साथ शेयर ज़रूर करना ताकि सब आपके रिलेटिव फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार और फ्रेंड दोस्त सब इस परेशानी से बच सकें और वो प्रमोशनल कॉल्स और मैसेजेस को बंद कर सकें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें मोर इन्फॉर्मेशन चैनल और प्रेस करें बेल आइकन को पाए लेटेस्ट अपडेट फ्री में। हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है आपका अपने चैनल मोर इन्फॉर्मेशन में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, साथ ही बेल का बटन भी ज़रूर प्रेस करना ताकि हम जो भी नेक्स्ट वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, हमें ज़रूर सपोर्ट करना क्योंकि हम हमेशा ही बड़ी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं ज़रूर यूजफुल रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास किसी भी कंपनी की सिम है और उस कंपनी के आपके पास सारा दिन फ़ोन कॉल्स आते हैं, अनवांटेड फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, सारा दिन आपको परेशान करते हैं, तो दोस्तों आप एक छोटे से तरीके से उन कॉल्स को बंद कर सकते हो, उन मैसेजेस को बंद कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपके पास कोई भी कंपनी की कॉल्स या मैसेजेस नहीं आएंगे। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाना है। मैसेज बॉक्स में जाने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे टाइप करना है स्टार्ट। स्टार्ट टाइप करके उसके आगे जीरो, और दोस्तों आपको ये मैसेज सेंड कर देना है 1909 पर। दोस्तों, स्टार्ट जीरो और इसको सेंड करना है 1909 पर। ये दोस्तों मैंने मैसेज सेंड कर दिया है और ये आप देख रहे हैं दोबारा उनका रिप्लाई आ गया है, योर रिक्वेस्ट टू स्टार्ट जीरो हैज़ बीन रिसीव्ड, प्लीज़ रिप्लाई वाई टू कन्फर्म योर रिक्वेस्ट और एंड टू इग्नोर योर रिक्वेस्ट विद इन 2 आवर। दोस्तों, ये 2 घंटे का टाइम देते हैं, अगर आप इसको इग्नोर करना चाहते हो तो आप एंड टाइप करके सेंड कर सकते हो, नहीं तो आप वाई, ये SMS भेजने के बाद दोस्तों आपको वाई जरूर टाइप करके भेजना है। अगर ये आप वाई टाइप करके नहीं भेजोगे, वाई का मतलब है येस और एन का मतलब है नो, अगर आप वाई टाइप करके नहीं भेजोगे तो दोस्तों वो फ़ोन कॉल बंद नहीं होंगी। अब मैं उनके रिप्लाई का दोबारा रिप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों। अब ये मैंने रिप्लाई कर दिया है, वाई लिख के मैंने बता दिया है येस कि मेरे को ये फ़ोन कॉल बंद चाहिए सारी। तो दोस्तों, अब ये दोबारा उनका मैसेज दोबारा भी आ गया है, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन रजिस्टर्ड, ए यूनिक रेफरेंस नंबर विल बी सेंड टू शॉर्टली, थैंक यू। तो दोस्तों, आपको भी इस तरह उनका रिप्लाई आ जाएगा और आप वाई जरूर टाइप करके रिप्लाई करें दोबारा, तो इसके बाद आपके पास कंपनी की कोई भी अनवांटेड कॉल्स नहीं आएंगी, मैसेजेस नहीं आएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। दोस्तों, हम हमेशा ही ऐसी और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लेकर आते रहते हैं, जितना उसके आप इसको शेयर करें ताकि और भी बाकी सब भी इस परेशानी से बच सकें। जितना उसके दोस्तों हमें सपोर्ट करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।